विषय गणित कक्षा दो पाठ तीन संख्याओं का आनंद प्रस्तुतकर्ता सुमित साहनी प्यारे बच्चों इस पाठ में हम संख्या पट्टी गिनलड़ी संख्या चार्ट संख्या रेखा से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे और पैटर्न को हल करना सीखेंगे यहाँ सामने एक गिनलड़ी बनी हुई है इस गिनलड़ी में कितने मोती हैं बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि पहले दस मोतियों पर संतरी रंग है अगले दस मोतियों पर नीला रंग है इसी प्रकार अगले दस मोतियों पर एक बार फिर संतरी रंग है और उसके बाद के दस मोतियों पर नीला रंग है इसी प्रकार पूरी गिनलड़ी में संतरी और नीला रंग भरा हुआ है आइए अब मिलकर गिनने का प्रयास करते हैं आप भी मेरे साथ बोलिए दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे और सौ तो इस गिन लड़ी में सौ मोती हैं अच्छा संख्या पट्टी को देखिए और बताइए कि गुलाबी फूल पर पहुंचने के लिए तितली कितने कदम आगे की ओर चलती है आइए इसको बड़ा करके देखते हैं तितली इस समय बावन नंबर के अंक पर है और उसको अठावन नंबर तक पहुंचना है बावन से अठावन तक पहुंचने के लिए उसको त्रेपन चौवन पचपन छप्पन सतावन, अट्ठावन यानी छः कदम आगे जाना पड़ेगा चलिए एक सवाल और हल करते हैं गिलहरी दो कदम पीछे की ओर कूदती है फिर पांच कदम आगे की ओर कूदती है और अंत में तीन कदम पीछे की ओर कूदती है तो इस समय वह कौन सी संख्या पर पहुंचेगी इस समय गिलहरी पचानवे नंबर पर है दो कदम पीछे जाने पर वह तिरयानवे पर पहुंच जाएगी फिर पांच कदम आगे जा बढ़ने पर चौरानवे पचानवे छियानवे सतानवे अठानवे तक पहुंच जाएगी उसके बाद एक बार फिर वो तीन कदम पीछे जाएगी तो वो सतानवे छियानवे और पचानवे पर पहुंच जाएगी इसका मतलब जहां से उसने शुरुआत की थी वह अंत में वहीं पहुंच जाएगी अच्छा बताइए कि लाल फूल तक पहुंचने के लिए मधुमक्खी को कितने कदम आगे की ओर बढ़ने पड़ेंगे और पीले फूल तक पहुंचने के लिए उसे कितने कदम आगे चलना पड़ेगा बिल्कुल पास से देखने पर हमें पता चलता है कि मधुमक्खी इस समय अठहत्तर यानी 78 नंबर पर है और लाल फूल 83 यानी तियासी नंबर पर है तो उसको एक दो तीन चार पाँच पाँच कदम आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा और पीले फूल तक जाने के लिए उसको छः सात आठ नौ दस उसको दस कदम आगे बढ़ने पड़ेंगे अरे ये देखो जंपी मेंढक कैसे कूद रहा है क्या आपको इसमें कोई पैटर्न नज़र आ रहा है आइए देखते हैं कि जंपी मेंढक कौन कौन से अंकों पे छलांग लगा रहा है सबसे पहले उसने एक अंक को छोड़ा और दो पे छलांग लगा दी फिर तीन अंक को छोड़ा चार पे छलांग लगा दी पाँच को छोड़ा तो छः पे छलांग लगा दी सात को छोड़ा आठ पे छलांग लगा दी, इसी तरीके से एक अंक छोड़ के वो दूसरे अंक पे छलांग लगा रहा है और बीस अंक तक पहुंच गया तो हम देख सकते हैं कि इसमें एक पैटर्न है कि एक एक अंक छोड़कर जंपी मेंढक कूद रहा है club. अब आइए इस पैटर्न को पूरा करते हैं हम देख सकते हैं कि जंपी मेंढक सबसे पहले एक अंक पे है और वो छलांग लगाकर चार अंक पे पहुंच गया यानी उसने बीच में दो अंक छोड़ दिए उसके बाद उसने दोबारा छलांग लगाई तो वो सात पर पहुंच गया और उसने दो अंक छोड़ दिए इस हिसाब से अगला अंक कौन सा होगा बिल्कुल ठीक अगला अंक होगा दस क्योंकि वो बीच में दो अंक छोड़ देगा इसी प्रकार उससे अगला अंक जिस पे वो कूदेगा तो वो अंक होगा तेरह उसके बाद इसी तरीके से वो सोलह पर कूदेगा और उन्नीस पे कूदेगा आइए एक और पैटर्न करते हैं इस प्रश्न में मैंडक 40 अंक पर है और वह छलांग लगाने पर सीधा 45 अंक पर पहुंच जाता है इसका मतलब उसने बीच में चार अंकों को छोड़ दिया 45 से 50 तक छलांग लगाते हुए भी उसने चार अंकों को छोड़ दिया तो अगली छलांग क्या होगी बिल्कुल ठीक अगली छलांग उसकी पचपन अंक पे होगी क्योंकि बीच के चार अंक वो छोड़ देगा इसी प्रकार इससे अगली छलांग साठ पे उससे अगली स्थिला पैंसठ पे फिर सत्तर पे और फिर पचहत्तर तक होगी आइए संख्या चार्ट को देखते हैं इसमें एक से लेकर सौ तक की संख्याएं लिखी हुई हैं आप संख्या चार्ट पर एक एक संख्या छोड़ते हुए संख्याओं पर सर्कल बनाइए यानी दो की कूद हो जाएगी और अब चार चार संख्याएं छोड़ते हुए संख्या चार्ट में त्रिकोण बनाइए यानी पाँच की कूद अब बताइए ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो दो और पाँच दोनों की कूद में आती हैं तो हमने देखा कि जो संख्याएं दो और पाँच दोनों की कूद में आती हैं वो संख्याएं हैं दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे और सौ आइए बच्चों एक बार फिर जंपी मेंढक से मिलते हैं अरे ये क्या वह तो पीछे की ओर कूद लगा रहा है आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से खानों पे कूद चुका है सबसे पहले वह नौ पर कूदा नौ के बाद आठ पे और आठ के बाद सात पे तो इसी हिसाब से हम पैटर्न बनाएंगे और एक एक अंक को कम करते रहेंगे तो हमारा पैटर्न तैयार होगा दस नौ आठ सात छ पाँच चार तीन दो एक अब हरे रंग की संख्याओं को देखिए जो इस संख्या चार्ट में दिख रही हैं और उनको रिक्त स्थान में भरिए पहले तीन संख्याएं मैंने भर के दी हैं अगली संख्याएं आप बताएंगे तेईस के बाद अगली संख्या चौंतीस चौंतीस के बाद अगली संख्या बिल्कुल ठीक पैंतालीस पैंतालीस के बाद की अगली संख्या बिल्कुल ठीक छप्पन इसी प्रकार से आप बाकी संख्याएं भरेंगे अब बताइए कि इसमें आपको कौन सा पैटर्न मिल रहा है बच्चों अगर हम इन संख्याओं को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि पहली संख्या में ग्यारह जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या दूसरी संख्या में ग्यारह जोड़ने पर हमें तीसरी संख्या और इसी प्रकार हर एक संख्या में ग्यारह जोड़ने पर हमें अगली संख्या प्राप्त होती है यह है एक संख्या खिड़की है संख्या चार्ट पर चित्र के अनुसार रखी गई है अब आप इसमें देखकर बताइए कि 28 के ऊपर क्या आएगा बिल्कुल ठीक अट्ठाईस से ऊपर अठारह आएगा और अट्ठाईस के नीचे जो संख्या आएगी उसको बताइए अट्ठाईस के नीचे वाली संख्या अड़तीस आएगी और अट्ठाईस के बाद क्या आएगा अट्ठाईस के बाद उनतीस और इसी प्रकार अट्ठाईस से पहले सत्ताईस आएगा ये चारों संख्याएं भी एक पैटर्न के आधार पर आ रही हैं ऊपर की संख्या के लिए हम दस घटा देंगे नीचे की संख्या के लिए हम दस बढ़ा देंगे एक अंक आगे के लिए हम अगली संख्या लेंगे उसमें एक जमा कर देंगे और एक अंक पहले वाली संख्या के लिए हम एक घटा देंगे अब इसी पैटर्न के आधार पर आप बाकी संख्याओं के साथ उत्तर दीजिए आइए बच्चों इस संख्या खिड़की को पूरा करते हैं इसमें पहला अंक दिया हुआ है त्रेपन इससे ऊपर की संख्या कौन सी होगी बिल्कुल ठीक तरतालीस यानी फोर्टी और नीचे की संख्या कितनी होगी वेरी गुड 53 के बाद 10 जोड़ के 63 आएगा यानी तिरसठ इसके एक अंक आगे की संख्या कितनी होगी चौवन और इसके एक अंक पीछे की संख्या कितनी होगी बिल्कुल ठीक बावन पता कीजिए दी गई आकृति में ब्लॉकों की संख्या कैसे बढ़ रही है और इसे आगे बढ़ाइए बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो पहले चित्र में सिर्फ एक बॉक्स बना हुआ है दूसरे चित्र में एक बॉक्स के पहले दो बॉक्स और लग गए हैं तो कुल बॉक्स हो गए तीन इसी प्रकार अगली आकृति में एक बॉक्स के बाद दो बॉक्स और दो बॉक्स के बाद तीन बॉक्स यानी गिनती के आधार पर कुल छः बॉक्स हो जाते हैं तो इससे अगली आकृति में क्या आएगा इसके लिए सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे उसके बाएं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड पे दो बॉक्स उसके लेफ्ट हैंड साइड पे तीन बॉक्स और उसके बाद चार बॉक्स आ जाएंगे तो कुल बॉक्से हो जाएंगे दस और इससे अगले पैटर्न में हम एक बॉक्स के बाद दो बॉक्स दो बॉक्स के बाद तीन बॉक्स उसके बाद चार बॉक्स और उसके बाद पांच बॉक्स बनाएंगे तो कुल बॉक्स बन जाएंगे पंद्रह प्यारे बच्चों अब इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप कुछ प्रश्न करेंगे किसी भी तरह की परेशानी होने पर आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अगले पार्ट में फिर मिलेंगे